नमस्कार, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं शिवकुमार प्रजापति। खबर आ रही है जनपद आजमगढ़ से, जहां पर नगर पंचायत में गरीब असहाय को नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। ताजा तरीन एवं बेहतरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें यूथ कॉर्नर के साथ। जनपद आजमगढ़ के नगर पंचायत सरायमीर अम्बेडकर नगर पूना पोखर में गरीब असहाय बिरजू सोनकर को नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास। गरीब असहाय बिरजू सोनकर पुत्र रतन सोनकर अंबेडकर नगर पूना पोखर का मूल निवासी है, जो दर दर भटकने को मजबूर है, फिर भी नहीं सुनने वाला है कोई हाल। बिरजू सोनकर ने बताया कि हमारा प्रधानमंत्री आवास 2018 का भरा गया है पर्चा, जो अभी तक हमको सरकार के माध्यम से नहीं प्राप्त हुआ और हमारे पास लाइटिंग की भी व्यवस्था नहीं है। बिरजू सोनकर ने बताया कि इसके बारे में मैंने जियो टेक उदय राज यादव और अधिशासी अधिकारी रंग बहादुर सिंह से इसके बारे में शिकायत की। हमारा आवास 2018 से पर्चा भरा हुआ है, जो अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो सका, जिससे मैं सरकार से गुहार करना चाहता हूं कि हमारा आवास जल्द से जल्द प्राप्त हो और हम अच्छे मकान में जिंदगी गुजार सके, ताकि हमको भी छत की छाया मिल सके। बिरजू सोनकर का कहना है कि हमारे अगल बगल बरसात के मौसम में पानी भर जाने से हमको डर बना रहता है, जैसे जहरीली जानवर सर्प जानवर हमारे मड़ई में घुस आते हैं। आइए सुनाते हैं बिरजू सोनकर ने आवास और लाइटिंग के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। यह खास रिपोर्ट थी आजमगढ़ सरायमीर से सरिता प्रजापति की। हाँ सर, बताइए आपको क्या समस्या है, क्या दिक्कत है आपको? ये दिक्कत है, मेरी कॉलोनी 2018 भरी हुई, अभी मेरी कॉलोनी नहीं आई है जी। यह है सबका घर काबिल, सबका आ चुकी है, सबके घर में दो तीन तीन चचट है, हमारे घर में एक मिला है और कुछ काबिल है, हमारा सब 2018 भरा हुआ है। सभासद से सबसे कहें, कोई नहीं सुन रहा है, न चेयरमैन न कोई, सब हंस रहे हैं खाली, और ऑफिस भी गए हैं, बक्सी साहब से कहे थे सब लिख के रख लिए, कोई नहीं सुन रहा है, वो भी राजुआ भी कोई नहीं, और असलम से भी कहें वो भी नहीं सुन रहे हैं। सब हमारा 2018 भरा हुआ है, अभी तक आया नहीं, अभी नहीं चेक कराए अखिलेश सिंह जो भी। आपका नाम? बिरजू है। गांव का नाम? पूना पोखर। आपको लैट्रिन बाथरूम का सुविधा मिला है? नहीं ले, वो मेरे कुछ नहीं कहना, मतलब मेरा कॉलोनिया दे दे बस, सबको क्या कहना, मुझे बस यही है दिक्कत, 2018 मेरी कॉलोनी भरी है, सब रोके हैं। आया हुआ नहीं अभी? आया नहीं, वही बतिया ना, और कोई दिक्कत नहीं पड़ता। बरसात में कैसे गुजार करते हैं आप? बरसात में साहब ऐसे जुगाड़ करते हैं कि मतलब बारिश हो जाती है, कभी कहीं जाम पा नहीं पाते, कीड़ा मकोड़ा भाई लड़का में हरा सब यही रहता, हमारा धंधा रोजी रोटी सब बंद, खर्चा के मोहताज हो जाते हैं, बारिश हो रही सब यहीं हक्के मुते हैं, कीड़ा मकोड़ा सब बरसात में कहाँ जाएगी, इधर पानी चारों तरफ पानी, बीच में हमारा घर यहाँ पर पानी आ जाता है, कहाँ जाएंगे जब हमारा कोई सुविधा नहीं, रास्ता वास्ता कुछ नहीं हमारे पास, बताओ सबसे कहते कोई सुनता नहीं, नियम पर चेयरमैन कोई भी नहीं सुनता है।